ये भदोही है 11,000 करोड़ रुपए का सालाना कारपेट निर्यात करने वाला भदोही, जहां किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं का टोटा है। यहां सरकारी अस्पताल में मरीज सिर्फ रेफर किए जाते हैं, भर्ती नहीं। जी हां, इसी के मद्देनजर 2008 में 100 बेड के अस्पताल का शिलान्यास जिला मुख्यालय सरपताह में किया गया था, जो अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जी हाँ, 18 करोड़ रुपए से बनना था यह अस्पताल, लेकिन रुपए खत्म हो गए, ठेकेदारों के 2-2 मंजिला मकान बन गए, गाड़ियां भी ले ली, लेकिन अभी तक यह हॉस्पिटल नहीं बना। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके इस निर्माणाधीन अस्पताल की SIT जांच भी चल रही है, लेकिन जांच कब तक खत्म होगी ये किसी को भी नहीं पता। भदोही जिले में दुर्घटना में घायल गंभीर व्यक्ति, अति गंभीर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का समुचित इलाज जिले के सरकारी अस्पताल में संभव ही नहीं है। ऐसे में दुर्घटना में घायल व्यक्ति को रेफर करने में लगने वाला समय उसकी जान ले लेता है। सभी ने अखबारों के माध्यम से देखा था कि कोरोना जैसी महामारी में जिलाधिकारी ने भदोही की कारपेट एक्सपोर्ट मार्ट को आइसोलेट यानी कि क्वारंटीन हब बनाने के निर्देश दिए थे। अब यदि जिला चिकित्सालय ठीक ठाक होता या इसकी थोड़ी सी व्यवस्था ठीक होती तो शायद इसकी नौबत ना आती। दुनिया में भदोही की एक अलग ही पहचान है, यहाँ खूबसूरत कालीन का निर्माण होता है। निर्यातकों और संस्थाओं का दावा है कि तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का सालाना विदेशों में कालीन निर्यात होता है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान के भरोसे हैं। जिला चिकित्सालय बिल्कुल खराब है। जी हाँ, कोरोना संक्रमण काल में सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर यानी कृत्रिम श्वास प्रणाली की सुविधा भी ठीक ठाक से उपलब्ध नहीं थी। अब ऐसे में हम किसी भी आने वाली महामारी से, चाहे वो कोरोना महामारी हो या कोई भी वैश्विक महामारी हो, उससे हम कैसे लड़ पाएंगे, उसका हम सामना डटकर कैसे कर पाएंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि वाराणसी को विभाजित करके 26 वर्ष पूर्व 30 जून को भदोही जिले का निर्माण मुलायम सिंह यादव ने किया था, उस वक्त उनकी सरकार थी। लेकिन इसी बीच कितनी सरकारें बदल गई, एक पूरी की पूरी पीढ़ी जवान हो चली, लेकिन आज तक ना हमारे भदोही का पूर्ण रूप से विकास हो पाया, ना हमें एक हॉस्पिटल भी ढंग से मिल पाया। जी हाँ, तो भैया ये थे हमारे भदोही जिले के विकास के कुछ सुनहरे पन्ने। जी हाँ, जिला निर्माण के बाद तकरीबन 5 सरकारें बदली, लेकिन अभी तक हमारे भदोही को एक अच्छा सरकारी अस्पताल भी नहीं मिल पाया। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि अभी तक हमारे भदोही जिले अस्पताल में एक वेंटिलेटर की भी सुविधा ठीक ठाक से नहीं है। ज्ञानपुर स्थित महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल के रूप में काम कर रहा है। दूसरा बड़ा अस्पताल भदोही स्थित महाराजा बलवंत सिंह चिकित्सालय है। दोनों अस्पताल सिर्फ खांसी और सर्दी तक सीमित हैं। गंभीर बीमारी या सड़क हादसों के लिए यहां कोई इलाज संभव है ही नहीं। जी हाँ, दोनों अस्पताल केवल एक रेफरल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। सड़क हादसों में या किसी भी दुर्घटना में पीड़ितों के पहुंचने से पहले यहाँ रेफरल यानी कि रेफरल यूनिट के रूप में काम करते हुए रेफर पर्ची तैयार की जाती है। घायल व्यक्ति के पहुंचते ही मलहम पट्टी के बाद उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया जाता है। अधिकतर लोग BHU ट्रामा सेंटर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। भदोही जिले की अनुमानित आबादी 20 लाख तक पहुंच गई है, लेकिन ज्ञानपुर और भदोही जिले के दोनों बड़े अस्पतालों में एक वेंटिलेटर की भी सुविधा ठीक ठाक से नहीं है। फिर हम आने वाली कोरोना जैसी महामारी या किसी भी वैश्विक महामारी से कैसे लड़ पाएंगे? अभी तीसरा लहर आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 में 11 वर्ष पूर्व जिला अस्पताल का आधारशिला बसपा सरकार में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री रंगनाथ मिश्रा जी ने किया था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जिले को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल देने का निर्णय लिया था और इसकी नींव रखी थी, ताकि जिले के लोगों को जिले में ही बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक अस्पताल नहीं बना। कितनी सरकारें आईं और चली गईं, एक पीढ़ी जवान हो चुकी है, लेकिन आज तक हमारे भदोही को एक अच्छा सरकारी अस्पताल नहीं मिल पाया। जी हाँ, प्रवासी मजदूरों और परदेशियों के आगमन में कोरोना काल में जब कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था, तब
मरीज अधिक हो गए थे और जिले में पॉजिटिव मरीजों को रखने तक की सुविधा भी नहीं थी। और कितनी शर्म की बात है कि मरीजों को मंडली अस्पताल मिर्जापुर भेजा जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण दुबे और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और एक एंकर हूँ। मैं भी भदोही जिले का ही रहने वाला हूँ और मुझे गर्व होता है कि मैं भदोही जिले से हूँ। लेकिन आज भदोही जिले की दैनिक व्यवस्था को देखकर, हालात को देखकर मुझे लगता है कि कभी कभी ये भदोही जिला बहुत पीछे है। और मुझे कभी कभी शर्म भी महसूस होता है कि हम उस जिले में निवास करते हैं जहां ऐसे ऐसे दलाल रहते हैं जिन्होंने भदोही जिले के अस्पताल को ही खा लिया, निगल लिया और अपने दो दो मंजिला मकान को बना लिया। जी हाँ, मुझे कुछ कहना नहीं है, आप सभी समझदार हैं, आप सभी को पता है कि करना क्या है। अभी भी समय है, मांग उठाइए। जब तक आपके साथ कोई हादसा नहीं होगा तब तक आप सचेत नहीं होंगे, ऐसा मत होने दीजिए। तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग भदोही जिले में हैं। अगर 5 लाख लोग भी मांग उठाते हैं, सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और मैं भदोही के समस्त सरकारी अधिकारियों, नेताओं, युवाओं से भी एक अपील करना चाहूँगा कि जो मांग आप किसी अदर टॉपिक पर उठाते हैं, जो चीज़ें, जो सत्याग्रह, जो आंदोलन आप किसी अलग चीज़ों पे करते हैं, वो आंदोलन इस सरकारी अस्पताल के ऊपर भी कर सकते हैं ताकि हमारे भदोही जिले को एक बेहतर हॉस्पिटल मिल सके। जी हाँ।